इसी कमीनी ने सारे शरबत गिरा दिया। अबे जाके पकड़ो ना हरामखोर को, जल्दी सारा शरबत गिरा दिया। अब अफ्तारी पे क्या लेके जाएंगे और हाजी साहब को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। कुछ देर बाद हेलो सजी ये रहा। अबे हरामखोर, तेरी इतनी हिम्मत कि हमारा शरबत तूने गिरा दिया। हेलो छोड़ो मुझे, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। अरे ओ जलील इंसान, एक तो हमारे नुकसान के ऊपर से धमकियां दे रहे हो कि मैंने कोई गलत काम ही नहीं किया। उस्ताजी मैं कह तो ये ऐसे नहीं मानेगा, इसको हाजी साहब के पास लेके चलते हैं। जब वो इसी ड्रम में इसको उबालेगा ना तब इसको पता चलेगा। मैं अंडा थोड़ी ना हूँ कि वो मुझे उबालेगा। हाजी साहब तो इसकी सिज्जी बना के खाएंगे। मैं बकरा थोड़ी ना हूँ कि वो मेरी सिज्जी बना के खाएगा। अबे बकवास बंद कर, सच सच बता तूने नुकसान ये किया क्यों है। एक मिनट बताता हूँ, जरा ऊपर देखो। मुझे लगता है इतने से काम नहीं बनेगा। अबे ये क्या कर रहा है, लगता है दाल में कुछ काला है, देखना पड़ेगा। अभी देखता हूँ। आजा मिर्चू, इतना टाइम क्या लगा दिया। तो यार इसको मिक्स करने में टाइम लग गया था। बहरहाल इस बात को छोड़, आज की इफ्तारी लोगों की आखिरी इफ्तारी होगी। उस्ताद भी आ गया। हाँ भाई रेडी है, चले। हाँ हाँ चलो उस्ताद जी। अबे ओए इनकी तो, इसका मतलब ये अफ्तारी के पानी में जहर मिला के जा रहे हैं। इनका मंसूबा मेरे होते हुए कामयाब नहीं हो सकता। हाँ जहर मिलाया हुआ था इसने, जो भी पानी पीता अफ्तारी में वो मरता। मिर्चू तुझसे ये उम्मीद नहीं थी, तूने इतने गिरी हो यार, कत की क्यों आखिर। oh, no. उस्ताजी बात तो सुन लो, वो जहर नहीं था, वो नमक था ताकि इसका जायका अच्छा हो जाए। अच्छा तो तुम उस वक्त ये क्यों कह रहे थे कि आज की अफ्तारी लोगों की आखिरी अफ्तारी है। अबे बेवकूफ इंसान, वो तो इसलिए कहा था क्योंकि शरबत का जायका बहुत अच्छा था। ऐसा शरबत बार बार थोड़ी बनता है, बता इजरो। हाँ उस्ताद मैं गवाह हूँ इसका, वो नमक ही था। आखिर ये माजरा क्या है। एक मिनट, क्या सबूत है कि वो नमक ही था। है सबूत मेरे पास, ये देखो ये था वो। हरामखोर ड्रम ले, अब इसका फैसला हाजी साहब ही करेगा, तुम्हारा हशर जो करने वाला है। नहीं 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 नहीं, हेलो।